कैसे हैं आप सब ये हमारा है किसका का में हमने क्या पढ़ा था इंट्रोडक्शन देख लिया था कि सोशोलॉजी क्या होता है और डेफिनेशंस देख ली थी जहाँ पे हमने काफी चीजें पढ़ी डेफिनेशंस डिफरेंट डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट के व्यूज पढ़े अबाउट सोशोलॉजी जिसमें हमने पढ़ा था कि ये स्टडी ऑफ सोसाइटी है सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में स्टडी है सोशल इंटरक्शन सोशल लाइफ एंड जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनके बिहेवियर से रिलेटेड है ठीक है तो आज का लेक्चर हमारा होगा नेचर ऑफ सोशोलॉजी के ऊपर कि ये किस प्रवृत्ति का है सोशोलॉजी सु, मतलब समाजशास्त्र यानी कि समाजशास्त्र की कुछ विशेषताएं भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको और उसका नेचर भी देखने को मिलेगा ठीक है अब देखो सोशोलॉजी जैसे know, कि यू ऑल नो कि सोशोलॉजी क्या है एज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसकी खुद की कुछ क्या है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ठीक है अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसकी खुद की इंटरनल लॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड करने में कि व्हाट काइंड ऑफ साइंस इट इज कि जो सोशोलॉजी है वो किस प्रकार की साइंस है क्या ये एक नॉर्मेटिव साइंस है सो so ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इससे पहले आपको ये जानना होगा देखो रॉबर्ट जो थे तो रॉबर्ट के द्वारा ये जो उनकी बुक थी द सोशल ऑर्डर इसमें लिखा गया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सोशोलॉजी की लिस्टेड की थी किसमें क्या बुक का नाम था द सोशल ऑर्डर ठीक है द सोशल ऑर्डर जो बुक का नाम था उनका उसमें उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक एनलिस्टेड की थी अब जो यहाँ पे फर्स्ट uh, कैरेक्टरिस्टिक आती है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो आप इसकी या फिर आप इसका नेचर बोल लो तो इन्होंने बोला कि सोशोलॉजी जो है इज एन इंडिपेंडेंट साइंस है ठीक है तो पहला नेचर क्या है क्या आ जाता है सोशोलॉजी का कि सोशोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस आपको जब आप आंसर लिखोगे तो आपको ये पूरी थ्योरी पढ़ लो एक बार और समझ में आ जाएगा बहुत इजी ब्रांच ऑफ एनी अदर साइंस लाइक फिलोसफी और पोलिटिकल फिलोसफी और हिस्ट्री और क्या है वो एमर्ज हुई है एज एन इंडिपेंडेंट सोशल साइंस के रूप में ये कोई अदर साइंस के रूप में नहीं है जैसे कि फिलोसफी हो गई है हमारी पॉलिटिकल फिलोसफी या हिस्ट्री हो गई एन इंडिपेंडेंट साइंस, इट हैज इट्स ओन फील्ड टू स्टडी बाउंड्री एंड मेथड। तो देखो ये जो हमारी सोशोलॉजी है समाज शास्त्र जो है समाज शास्त्र की अपनी खुद की क्या है बाउंड्री है उसकी अपना एक और है एक फील्ड है फील्ड किस चीज का स्टडी का उसकी बाउंड्री है और एंड उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है सोसाइटी सोसाइटी का आप एग्जांपल लोगे तो यहाँ पे ये जो लोग हैं लोगों से मिलके क्या बन रही है ये पूरी सोसाइटी बन रही है अब ये जो सोसाइटी यहाँ पे बनी इसके बारे में हम यहाँ पे इसकी स्टडी करेंगे ठीक है इनकी क्या अपनी बाउंड्रीज हैं किस मेथड से जो है सोसाइटी चलती है वो सारे मेथड्स यहाँ पे डिफाइन किए जाएंगे तो वो किसके अंतर्गत किए जा रहे हैं ये सब स्टडी हो रही है, समाज शास्त्र के अंतर्गत तो सोशोलॉजी से बनती है। so, ये इसका फर्स्ट नेचर आ जाता है सोशोलॉजी का नेक्स्ट जो नेचर है वो है कि सोशोलॉजी इज अ सोशल साइंस सोशोलॉजी क्या है सोशोलॉजी एक सोशल साइंस है एंड नॉट अ फिजिकल साइंस मतलब समाजशास्त्र जो है वो सोशल साइंस है ना कि फिजिकल साइंस नहीं है समाज के बारे में आप यहाँ पे उसके बारे में पढ़ रहे हो सोलॉजी बिलोंग करती है फैमिली से ठीक है ऑफ सोशल साइंसेस एंड नॉट टू बी द फैमिली ऑफ फिजिकल साइंसेस ठीक है जो मतलब सोशोलॉजी है वो बिलोंग करती है सोशल साइंसेस की फैमिली से ना कि फिजिकल साइंसेस की फैमिली से

क्या क्या वो सोशल एक्टिविटीज करता है ठीक है उसकी सोशल लाइफ कैसी है तो बेसिकली ओवरऑल हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला कि सोशोलॉजी है आखिर बात क्या कर रही है सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र में किस चीज का अध्ययन किया जा रहा है तो समाज शास्त्र में हम अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो ये एक इंसान है ठीक है अब ये मैन है वेमेन है हम इस चीज़ को यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते हमारी मर्जी हम करें नहीं करें ठीक है तो ये जो मैन है इसका क्या बिहेवियर है सबसे पहले इसका बिहेवियर क्या है दूसरा ये कैसी कैसी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है थर्ड इसकी सोशल लाइफ कैसी है सो ये सारी चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारी बन जाती है सोशोलॉजी के अंतर्गत एक पार्ट ठीक है आई होप आपको ये इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा कि सोशोलॉजी का जो नेचर है एज अ सोशल साइंस है नॉट अ फिजिकल साइंस नेक्स्ट हमारी जो बात होती है वो ये है कि सोशोलॉजी जो है इज अ कैटेगोरिकल एंड नॉट अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन कि सोशोलॉजी क्या है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सोशोलॉजी में सारी चीजें स्पष्ट रूप से दी हुई है, हैं ना कि नॉर्मेटिव डिसिप्लिन के रूप से सोशियोलॉजी जो बात करता है वो बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेगा ना कि ऐसा के मतलब लोगों को कैसे होना चाहिए चाहिए वाली चीज नहीं करता आदर्श की बात नहीं करता जो नॉर्मेटिव डिसिप्लिन है उसकी बात नहीं करती सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी कंफाइन्स इटसेल्फ टू स्टेटमेंट्स अबाउट व्हाट इज नॉट व्हाट शुड बी और ऑट टू बी वही बात जो मैंने आपको बोली कि सोशियोलॉजी यहां पे बात कर रहा है कि, कि क्या है एक्चुअल में सोसाइटी है क्या व्हाट इज सोसाइटी सोसाइटी है क्या इसके बारे में बात करता है ना कि इसके बारे में कि उसको क्या होना चाहिए इसके बारे में वो बात नहीं करता सोशियोलॉजी समाजशास्त्र इस बारे में बात नहीं करता एज अ साइंस सोशियोलॉजी इज नेसेसरली साइलेंट अबाउट क्वेश्चंस ऑफ वैल्यू इट इज एथिकली न्यूट्रल है इट कैन नॉट डिसाइड द डायरेक्शन इन विच सोशलॉजी ऑट टू गो ये क्या नहीं कर सकती डिसाइड नहीं कर सकती डायरेक्शंस को कि uh, किस में मतलब सोशोलॉजी को क्या होना चाहिए नहीं इस बारे में ये बात नहीं करती ठीक है दूसरी चीज यहाँ आ जाती है कि इट ओनली मीन्स दैट सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन कैन नॉट डील विद प्रॉब्लम्स ऑफ गुड एंड इविल राइट एंड रॉन्ग मोरल और इमोरल ठीक है यहाँ पे क्या बात कर रहा है ये इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि जो सोशोलॉजी है वो एक ऐसा डिसिप्लिन है जो डील नहीं करता किससे प्रॉब्लम्स ऑफ गुड और इविल से उसको सोशोलॉजी को इस बारे में मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है क्या मोरल है क्या इमोरल है वो सिर्फ और सिर्फ ये बात करता है कि एक्चुअल में वॉट इट इज नॉट वॉट ऑट टू बी और राइट नेक्स्ट हमारा जो नेचर है यानी कि नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आ जाती है सोशोलॉजी सोशोलॉजी क्या है सोशोलॉजी जो है एक प्योर साइंस है ना कि अप्लाइड साइंस सोशोलॉजी अ डिस्टिंक्शन इज ऑफन मेड बिटवीन प्योर साइंसेज एंड अप्लाइड साइंसेस द मेन एम ऑफ प्योर साइंस इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड इट इज नॉट बॉदर्ड वैदर दॉलेज इज यूजफुल कैन नॉट बी पुट टू यूज और राइट यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि क्या डिफरेंस है प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस के बीच में तो मेन एम जो रहता है यहाँ पे प्योर साइंस का वो ये है कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज क्या है ठीक है और इट इज नॉट बॉदर्ड वैदर द अक्वायर्ड नॉलेज इज यूजफुल और कैन बी पुट टू यूज़ इससे कोई मतलब नहीं है कि वो जो नॉलेज हमने अक्वायर की है क्या वो यूज़फुल है और उसको कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है ऑन द अदर हैंड जो हमारी अप्लाइड साइंस है वो किस बारे में बात करती है इस टू अप्लाइड द एक्वायर्ड नॉलेज जो हमने नॉलेज अक्वायर की है उसको कहाँ पर हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं इन टू लाइफ नॉलेज इन टू लाइफ एंड पुट इट टू यूज सो ये डिफरेंस बेसिकली ये पूरा जो है ओवरऑल डिफरेंस के बारे में बात करता है प्योर साइंस एंड अप्लाइड साइंस के अब देखो यहाँ पे आप ना एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो इसको सोशोलॉजी जो है एक प्योर द इमीडिएट एम ऑफ सोशोलॉजी इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज ठीक है फर्स्ट एम क्या है फर्स्ट एम ये है कि नॉलेज को ही अक्वायर करना ठीक है अबाउट ह्यूमन सोसाइटी नॉट यूटिलाइजेशन ऑफ दैट नॉलेज फर्स्ट एम जो है प्रायोरिटी जो है सोशोलॉजी की वो ये है कि सोशोलॉजी uh, में हम क्या कर रहे हैं सोसाइटी के बारे में नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं ह्यूमन सोसाइटी के बारे में ना कि उसका यूटिलाइजेशन हमें कैसे करना है उस नॉलेज का इस बारे में नहीं बात होती वो बाद में स्टेज बन जाती होगी लेकिन फर्स्ट स्टेज जो है फर्स्ट स्टेप जो है वो यही है कि सोशोलॉजी इज अ प्योर साइंस बिकॉज इट यू नो टॉक्स अबाउट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज यहां पे आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो देखो जैसे सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स है, है तो इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस है पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स में यूज होती है बट जो सोशोलॉजी है जब हम सोशोलॉजी की बात करते हैं तो सोशोलॉजी का क्या क्या वर्क है देखो एडमिनिस्ट्रेशन में सोशल वर्क में एंड डिप्लोमेसी में तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं इतनी इसकी अप्लाइड जो फील्ड्स है ना वो इतनी सारी हो जाती हैं तो इसलिए जो इसका फर्स्ट एम जो होता है वो यही है कि नॉलेज को अक्वायर करना ह्यूमन सोसाइटी के बारे में नॉलेज को नॉलेज लेना अध्ययन करना ठीक है तो ये चीज हमारी आ जाती है इसके एज अ नेचर के बारे में कि ये एक प्योर साइंस है ना कि एक अप्लाइड साइंस है नेक्स्ट नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशोलॉजी 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 क्या है एक एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस साइंस है है ना कि कॉन्क्रीट अब ये क्या होता है? देखो दिस दिसंट मीन दैट सोशोलॉजी इज एन आर्ट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सोशोलॉजी एक आर्ट है एंड नॉट अ साइंस और साइंस नहीं है इट ओनली मीन्स दैट सोशोलॉजी इज नॉट इंटरेस्टेड इन कॉन्क्रीट मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन इवेंट्स इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि जो सोशोलॉजी है ठीक है वो इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती कि वो ह्यूमन इवेंट्स के कॉन्क्रीट मैनिफेस्टेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती सो so, इसलिए यहाँ पे इसको एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस बोला गया फॉर एग्जाम्पल देखो सोशोलॉजी इज नॉट कंसर्न विद पर्टिकुलर वॉर्स एंड रेवोल्यूशन बट विद वॉर्स एंड रेवोल्यूशन इन जनरल एज सोशल फिनमिना एज टाइप्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट So, ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाता है कि सोशोलॉजी एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है ना कि ये कॉन्क्रीट साइंस नेक्स्ट जो नेचर है सोशोलॉजी का सोशोलॉजी इज जनरलाइजिंग या नॉट अ पर्टिकुलराइजिंग साइंस सोशोलॉजी क्या है ये ट्राइज करती है टू फाइंड आउट द जनरल लॉज किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए जनरल लॉज को फाइंड आउट करने की कोशिश करती है और प्रिंसिपल्स अबाउट ह्यूमन इंट्रैक्शंस से रिलेटेड एंड एसोसिएशन से रिलेटेड अबाउट द नेचर, फॉर्म कॉन्टेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स एंड ह्यूम समझ में आ गया कि सोशोलॉजी क्या है एक जनरलाइजिंग है नॉट अ पर्टिकुलराइजिंग साइंस तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करती है सोशोलॉजी जनरल लॉज को और प्रिंसिपल्स को अबाउट ह्यूमन इंट्रेक्शन नेक्स्ट so जो हमारा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि सोशोलॉजी जो है एक जनरल साइंस है ना कि एक स्पेशल सोशल साइंस ये इसकी थ्योरी है आप इसको रीड आउट कर लेना आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा नेक्स्ट जो नेचर है वो ये है कि सोशोलॉजी जो है वो दोनों तरीके की है रैशनल भी है और एम्पेकल साइंस भी है ठीक अब ये कैसे है किस तरीके से है तो देखो इमैनुअल कांत ने ना ये बोला था ये बहुत ही बहुत ही ज्यादा फेमस इसका कोर्ट हो जाता है उन्होंने ये बोला कि जो थ्योरीज हैं विदाउट फैक्ट्स आर एम टी एंड फैक्ट्स आर थ्योरीज आर ब्लाइंड मतलब थ्योरीज के बिना फैक्ट्स जो है वो एम टी एंड फैक्ट्स के बिना थ्योरीज ब्लाइंड हैं सो so, ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे दूसरी ये कि देखो जो हमने अभी पढ़ा एम्प्रिकल और रैशनल साइंस के बारे में कि सोशोलॉजी दोनों तरीके की अब सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र जहाँ पे हम क्या नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं सोसाइटी के बारे में तो देखो ये जो नॉलेज है इसको डिफाइन किया गया है यहाँ पे किस तरीके से कि नॉलेज जो है आपकी दो तरीके की होती है एक तो हो गई एम्प्रिसिज्म वाली और एक हो गई रैशनैलिटी वाली पहले हम रैशनैलिटी को देखते हैं रैशनैलिटी मतलब जहाँ पे रीजनिंग दी जाती है वो अब ये जो है रैशनैलिटी रेफर्स टू रीजनिंग एंड थ्योरीज रिजल्टिंग फ्रॉम लॉजिकल इन्फ्योरेंसिस ठीक है जिसका रिजल्ट क्या कहाँ से निकलता है लॉजिकल इन्फ्योरेंसिस से निकलता है वो आ, रीजनिंग और थ्योरीज को रेफर करता है रैशनैलिटी ठीक है एम्प्रिसिज्म मतलब अनुभव सिद्ध जो होती हैं बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती हैं एंड एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है सो so, ये दो ब्रांचेस हो गई किस चीज़ की नॉलेज की अब इन दोनों से मिलके क्या बनता है एक बात कर रहा है फैक्ट्स की दूसरा बात कर रहा है थ्योरीज की तो ये दोनों मिलके क्या हो जाता है हमारा नॉलेज हमें मिल जाती है सो so गाइज़ ये हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है आई होप आपको पूरा जो नेचर है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझ में आ गई होगी अगर कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत होती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज एट द रेट स्टडी घर को फॉलो करिए वहाँ पे मैसेज कर सकते हो ठीक है थैंक यू गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना शेयर भी कर देना